हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हुए अपना प्रोलॉग। और जो पहली लेडी जो इस प्रोलॉग में डिस्क्राइब की गई है वो प्रायरेस है, ठीक है। दूसरी वाइफ पर बात होगी, दो ही लेडीज़ को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और ये पहली रिलीजियस फिगर भी है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो लॉर्ड्स होते थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती थी, या जो नाइट्स होते थे, कई बार वो बैड डेज़ में भी चले जाते थे। भाई उनके पास उतना पैसा या औधा नहीं रहता था जितना पहले था, तो उनकी जो बेटियां होती थी उनके लिए डाउरी देने के लिए नहीं होता था उनके पास। तो कई जो बेटियाँ होती थी उनको नंस बना दिया जाता था, कॉन्वेंट में भेज दिया जाता था, ठीक है। अब जो पुअर क्लास हैं वो क्या है, वो अपने साथ ऑलरेडी एक डाउरी लेके आ रही है, वो उनका लेबर है कि भाई वो जो जब मैरिज होगी तो वो फिर कि खेतों में जाके काम कर लेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता था, हायर क्लासेस ऐसा नहीं होता था, कई लोग नन बन जाती थी। ऐसे ही शायद हमारी जो प्रायरेस है वो भी शायद ऐसी ही एक नन है। तो उसका जो इनर डिज़ायर है, बाई शी वॉन्टेड टू बी अ लेडी, गेट मैरिड टू सम लॉर्ड और टू सम नाइट एंड टू बी अ लेडी, ठीक है। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो इनर डिज़ायर है वो निकल के आएगा। वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रायरेस, प्रायरेस का मतलब क्या होता है, वो हेड अपनी कॉन्वेंट की हेड होगी, सो शी इज़ अ बिट ऑफ हायर क्लास इन द रिलीजियस ऑर्डर में, ठीक है। सो वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रायरेस इज स्पिरिचुअलिटी प्लस चैरिटी, ठीक है। लेकिन वॉट वी आर गेटिंग इज फिजिकल अट्रैक्शन, उसका हम फिजिकल अट्रैक्शन में ज़्यादा देखेंगे। हम देखेंगे कि भाई हम किसी रोमांटिक लेडी के साथ ज़्यादा डील कर रहे हैं, एक ऐसी लेडी जो कि मटेरियलिज्म में ज़्यादा एम्फसाइज करती है। उसकी चैरिटी तो है लेकिन मिसप्लेस चैरिटी है, वो सब हम देखते हैं अब इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देयर ऑल्सो वॉज अ नन, अ प्रायरेस, ठीक है। हर वे ऑफ स्माइलिंग वेरी सिंपल एंड कॉय, और यहीं से हम शुरू कर देते हैं कि उसकी जो वे ऑफ स्माइलिंग वॉज वेरी सिंपल एंड कॉय। एंड्रू मार्वल की पोएम आपने टू माई कॉय मिस्ट्रेस अगर आपने पढ़ी होगी, तो कॉय का मतलब वो शर्मीली थी, जैसे जिस तरीके से मेडन शर्माती है, कुंवारी लड़की शर्माती है, उस तरीके से। हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज ओनली बाई सेंट लॉय एंड शी वॉज नोन एज मैडम इग्लेंटाइन। अब ये मैडम, ये जो नाम है इग्लेंटाइन, ये उस समय की जो रोमांस था उसमें जो लेडी होती थी उसके नाम है। यहाँ पर फिर एक और सजेशन आ गया, एंड वेल शी सैंग अ सर्विस विद अ फाइन इंटोनिंग थ्रू हर नोज, तो सर्विस जो भगवान के उसमें वो पूजा करती थी पर उसके नेजल आवाज़ में करती थी वो, एज वॉज मोस्ट सीमिंगली एंड शी स्पोक डेंटली इन फ्रेंच एक्सट्रीमली। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टेटफोर्ड एट ओबे बॉय फ्रेंच इन द पैरिस स्टाइल शी डिड नॉट नो। अब वो क्या कर रही है, वो फ्रेंच बोल रही है। अब फ्रेंच उस समय की क्या थी, एक एलिट भाषा थी, जो अपर क्लास के जो लोग थे वो उस समय बोला करते थे। वो भी कोशिश कर रही है वो अपर क्लास को इमिटेट करने की, लेकिन वो पैरिस स्टाइल में फ्लुएंटली तो बोल नहीं पा रही। तो जो भी थोड़ा बहुत उसने नन रह के जो भी सीखा होगा या अपने फादर के यहाँ थोड़ा सीखा, वो कभी कभी उसको बोलती थी। तो वो जो कोर्टली मैनर है उसको इमिटेट करने की कोशिश करी, जो हिडन डिज़ायर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही उसके टेबल मैनर्स भी उसकी जो क्लास है वो दिखाना चाह रही है कि भाई मैं किस क्लास को बिलोंग करती हूँ या क्या मेरी एस्पिरेशंस थी। एट मीट हर मैनर्स वे वेल टॉट विदल, ठीक है। नो मॉर्सल फ्रॉम हर लिप्स डिड शी लेट फॉल, तो कोई भी वो टुकड़ा जो है वो गिरने नहीं देती थी कभी भी, अगर मुंह में खाना लेके जाएगी तो गिरेगी नहीं। नॉट डिप्ड हर फिंगर इन द सॉस टू डीप, और इस तरीके से खाना डिप करती थी सॉस में कि उसके फिंगर्स नहीं जाते थे उसमें। बट शी वुड कैरी अ मॉर्सल अप एंड कीप द स्मॉलेस्ट ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ ब्रेस्ट, और वो टुकड़ा जो उसके मुंह में जाता था, एक छोटा टुकड़ा भी उसके ब्रेस्ट में नहीं गिरता था। फॉर कोर्टलीनेस शी हैड अ स्पेशल जेस्ट, और वो कोर्टलीनेस के लिए उसके स्पेशल उसके मन में एक चाह थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किसी ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी नंद के साथ डील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि किसी कोर्ट की लेडी के साथ हम लोग डील करेंगे इस तरीके से। वो टेबल मैनर्स में जहाँ की पूरा सारे लॉर्ड्स वगैरह बैठे होंगे और उनके बीच में कोई बैठी होगी शायद, इस तरीके से लग रहा है। एंड शी वुड वाइप हर अपर लिप्स सो क्लीन दैट नॉट अ ट्रेस ऑफ ग्रीस वॉज टू बी सीन अपॉन द कप व्हेन शी हैड ड्रंक, और वो क्या था, अपने जब पानी पीने के लिए अपने मुंह में ग्लास डालती थी खाने के टेबल में, तो उसके मुंह में कोई ग्रीस होता ही नहीं था, वो उस ग्लास में लगता ही नहीं था, इतने सफाई से वो खाना खाती। टू ईट शी रीज्ड अ हैंड सीडेटली फॉर द मीट, और बहुत कामली बहुत आराम से वो क्या करती थी, मीट को लेने के लिए टेबल में खाने के लिए उठाती थी, ठीक है। उसके टेबल मैनर्स बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही इलीट क्लास के थे, ऐसा वो इमिटेट करती थी कम से कम। शी सर्टनली वॉज वेरी इंटरटेनिंग प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, उसका नेचर भी बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली था इन अ वेज, एंड स्टेनिंग टू काउंटरफिट अ कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस, और वो इमिटेट करने की कोशिश करती थी कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस। अ स्टेटली बेयरिंग फिटिंग ऑफ अ प्लेस एंड टू सीम डिग्निफाइड इन ऑल अर डीलिंग, वो डिग्निफाइड थी उसके उस मैनर की तरह की थी पूरे डीलिंग में। एज फॉर अर सिंपथीज, अब यहाँ पर देखिए आप,
एंड टेंडर फीलिंग, उसके अंदर सिंपैथी भी थी, टेंडर फीलिंग भी थी, जो कि एक एक नन के अंदर होनी चाहिए, वो उसके अंदर थी। शी वॉज सो चैरिटेबली सॉलिसिटियस, अब वो दूसरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा केयर करती थी। शी वुड पर किसका, बट शी यूज टू वीप इफ शी बट सॉ अ माउस कॉट इन अ ट्रैप, अगर वो माउस को देखती थी ट्रैप में कॉट करे हुए, इफ इट वेयर डेड और ब्लीडिंग करे तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था। ये वही माउस है जो कि किसानों को नुकसान पहुंचाता है, ये वही माउस है जो कि प्लेग फैलाता है। उस समय हमने देख लिया था, पहले वीडियो में हमने देख लिया था प्लेग किस तरीके से नुकसानदायक था। एंड शी हैड लिटिल डॉग शी वुड बी फीडिंग, और जो लिटिल डॉग्स उसके पास थे, खूब सारे डॉग्स उसके पास थे, किसके पास होंगे डॉग्स, एक नन के पास होंगे क्या डॉग्स, वो तो एक किसी लेडी के पास डॉग्स होंगे, पर वो डॉग्स रखती थी। क्या खिलाती थी, विद रोस्टेड फ्लैश और मिल्क और फाइन वाइट ब्रेड, हाँ तो वो ख्याल तो रख रही है, पर किसका रख रही है, डॉग्स से रख रही है, उसे क्या खिला रही है, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास खिलाएंगे वो उनको खिला रही है, और ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, तब जबकि इंग्लैंड के काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को कुछ भरपेट खाना नहीं मिलता था, उस टाइम पर वो खिला रही है, ठीक है। एंड बिटरली शी वेप्ट इफ वन वेयर डेड, और इनमें से कोई डॉग मर जाएगा तो वो बहुत दुखी होती थी, और समवन टुक अ स्टिक एंड मेड इट स्मार्ट, या कोई उसको मारता था तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डॉग के साथ या माउस के साथ तो उसकी सिंपैथी है, लेकिन कहीं पे भी आदमी का जिक्र नहीं है, ठीक है। सो जो चैरिटी है, ह्यूमन चैरिटी है, या आदमियों के लिए काम करना या उनके दुख में शामिल होना, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया यहाँ पे, तो हम उससे भी उसका कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं कि वो जबरदस्ती नन बनी है भाई। शी वॉज ऑल सेंटिमेंटल एंड टेंडर हार्ट, सेंटिमेंटल एंड टेंडर हार्ट तो था, पर किसके लिए था, हर व्हील वॉज, अब यहाँ पे उसके फिजिकल अट्रैक्शन दिखाया गया है, व्हील वॉज गैदर्ड इन अ सीमली वे, जो उसके सर पे जो उसका कवर था वो उसका बिल्कुल बहुत ढंग से लगाया गया था, प्लेटेड था। हर नोज वॉज एलिगेंट, अब उसकी फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत सुंदर उसकी नोज थी। हर आइज ग्लास ग्रे, और आइज भी बहुत सुंदर दिखाई गई। हर माउथ वॉज वेरी स्मॉल बट सॉफ्ट एंड रेड, स्मॉल माउथ था, अट्रैक्टिव माउथ था, सॉफ्ट था एंड रेड था, ठीक है। अब एक ऐसा माउथ है, एक ऐसा वो है जो आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक फिगर ऑफ रोमांस है रादर देन एन ऑस्ट्रेयर फिगर, एम्फसाइजिंग ऑन वर्जिनिटी एंड मॉडेस्टी। अब चर्च में क्या है, वर्जिनिटी इज़ इम्पोर्टेंट, चर्च में क्या है, मॉडेस्टी इज़ इम्पोर्टेंट, बट व्हाट वी आर गेटिंग हेयर इज़ अ लेडी हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। सो एक रोमांटिक फिगर के रूप में दिखाया गया। हर फोरहेड सर्टेनली वॉज फेयर ऑफ स्प्रेड, और उसका फोरहेड भी था फेयर ऑफ स्प्रेड था, ऑलमोस्ट स्पैन अक्रॉस द ब्रोस, आई नो, और उसका जो फोरहेड था वो भी यहाँ पे दिखाया गया कि वो भी बड़ा था। शी वॉज इंडीड बाई नो मीन्स अंडरग्रोन, सो भाई वो अंडरग्रोन नहीं थी, उसका फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो अगेन यहाँ पे एम्फोसाइज किया गया है, ठीक है। एक रोमांटिक लेडी है बेसिकली। हर क्लोक आई नोटिस हैड अ ग्रेसफुल चार्म, और उसका जो क्लोक था, जो उसका कवर था, उसमें भी एक ग्रेस था, एक चार्म था, एक अट्रैक्शन था, उसके क्लोक जो बाहर से वो कवर पहनती थी। शी वोर अ कोरल ट्रिंकेट ऑन हर आर्म, और वो क्या कर रही है, वो ज्वेलरी में भी पहन रही है, एक नन जो कि बिल्कुल ही सिंपल रहेगी, लेकिन वो क्या है, कोरल ट्रिंकेट पहन रही है, और उसकी बीट कैसी है, जो हाथ में जो वो बीट्स लेते थे, ऑफ गॉडी ट्रिंकेट इन ग्रीन, वो ग्रीन कलर की बीट्स हैं, बट गॉडी हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स की हैं, या चमकदार कलर की उसकी बीड है, रोजरी है, ठीक है। वेंस हंग अ गोल्डन ब्रोच, और कैसा ब्रोच उसमें हंग कर रहा है, उस बीड से, ए गोल्डन, अगेन वो किस में डील कर रही है, गोल्ड में डील कर रही है, यानी शी इज़ मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मटीरियलिज्म रादर देन स्पिरिचुअलिज्म, तो वो भगवान की भक्ति के बजाय वो ब्रोचेस वगैरह में डील कर रही है। ऑफ ब्राइटेस्ट शीन, और बहुत चमकदार ब्रोच था, ऑन विच देयर फर्स्ट वॉज ग्रेव्ड क्राउंड ए, उसमें ए लिखा हुआ था पहले उस ब्रोच में, और एंड द लोअर लिखा हुआ था अमोर विंसेंट ओमनिया, इसका मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल, अगेन ये टंग इन चीक है, अगेन सटल है, अगेन आयरनी है, हम देख रहे हैं कि वो एक नन है, ठीक है, लेकिन शी इज़ मोर इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन शी इज़ मोर कंसर्न विद द फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, ये मटेरियल अट्रैक्शन, उसको सजने सवरने का ज़्यादा शौक ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा ही फिर यहाँ पे भी है, लव कॉन्कर्स ऑल, सो क्या ये भगवान के लव के बारे में जो कि सबको कॉन्कर करता है, या कि ह्यूमन वर्ल्डली लव के बारे में, ये ओपन है। तो यहाँ पे चौसर जो है इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है प्रायरस को, बहुत स्ट्रिक्टली उसने उसको हिट नहीं किया है, लेकिन एक सटल हिट है, ठीक है। थैंक यू।